हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा मेरी माँ की रेसिपी से। और आज मैं बनाने वाली हूँ, ये देखिए, पानी बरी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं घंगरा बरी से बनाऊंगी पानी बरी की रेसिपी। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको बरी खाना पसंद है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो घंगरा बरी इसको कहते हैं, घंगरा बरी बनता है बोदी का सीड से। तो ये देखिए इस तरह से बरी होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में दे देंगे तेल, थोड़ा सा ही तेल देंगे क्योंकि इसे हमको पहले बरी को भूनना है। तो इसे फ्राई करके निकाल लेंगे 2 मिनट में, बहुत जल्दी ये भुना जाता है। तो इस तरह से मिला करके इसे भून लेंगे। ये देखिए हल्का लाल हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते एक प्लेट पे। फिर उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। बहुत ही कम सामानों से ये बन जाता है और बहुत ही कम समय भी लगते हैं इसमें बनाने में। तो फिर हमने वही सेम कढ़ाई लिया है, फिर हम डाले हैं इसमें सरसों का तेल। आप जो तेल यूज करते हैं वो डाल दीजिएगा। तो इसमें हम 2 चम्मच तेल दिए हैं और ये 1 चम्मच हम मेथी दिए हैं। उसके बाद हम डाल देंगे लाल मिर्च तीखा करने के लिए। बस इसको हल्का भूनेंगे हम। उसके बाद हमने लिया है 2 प्याज, जिसे हमने इस तरह से काट लिए, बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हैं। चकोटा टुकड़ा है ये, लेकिन थोड़ा बड़ा आकार में है ये कटा हुआ है। तो बस इसमें यही थोड़ा मसाला पड़ता है, इसीलिए प्याज थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। तो प्याज को भी भुनना है लाल करके। तो इसमें हम दे देंगे हल्दी और फिर दे देंगे इसको प्याज को गलाने के लिए नमक। तो स्वाद अनुसार नमक दे दीजिएगा। बस इसमें इतना ही सामान पड़ता है। अब इसी से ही हम बनाएंगे पानी बरी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको ढक करके 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक प्याज गल ना जाए तब तक पकाइएगा। तो ये देखिए प्याज अच्छा से गल चुका है ये। तो बस इसमें अब हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी बरी बना रहे हैं तो पानी की मात्रा इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए हमने 1 गिलास पानी दे दिया है इसमें। अब इसको उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। तो फिर इसे हम ढक देते हैं ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। तो ये देखिए उबाल आ चुका है ये। अब इसमें हम डाल देंगे बरी, जो हमने बरी भून के रखा था वो बरी हम इसमें डाल रहे हैं। बस इसे भी अब हम ढक के पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए। तो कम लो फ्लेम में हम पकाए हैं। तो ये देखिए अच्छा से ये बरी सीज गया है, यानी कि बॉयल हो चुका है, ये पूरा लटपट बन चुका है हमारा सब्जी। तो गैस अब हम कर देते हैं बंद और चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे देखने में। अगर आपको बरी पसंद है तो ये बरी आपको बहुत पसंद आएगी। पानी बरी है, इसमें कम खर्च भी और कम समय भी लगते हैं। और इसे आप फुल्की रोटी या फिर पराठा के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। या फिर आप चावल के साथ खाइए, तो चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घंगरा बरी से बनाइएगा पानी बरी। तो दोस्तों आज मैं टिप्स में बताने वाली हूँ। तो आज मैं एक ऐसा पैक बनाना बताऊँगी जिसे आप लगाने से आपके 3 जगह फ़ायदे होंगे और 3 जगह आपके असर भी करेंगे। तो पहला मैं ओट के लिए बताऊँगी। ऐसा मास्क है, इसे लगाव करने से ओट पर आपके ओट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे। अगर आपके चेहरे में खुरदरेपन है, काले धब्बे हैं, तो इसे आप फेस पे मसाज कीजिएगा तो आपके फेस भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गोरे हो जाएंगे। और थर्ड, अगर आपके एड़ियाँ फटी हुई हैं, काले काले धब्बे हैं, तो इसे आप पैर पे रब कीजिएगा तो इससे आपके पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 प्लेट, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मधु। तो मधु फेस के लिए, ओट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और ये है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन पैरों के लिए भी अच्छे होते हैं, ओट के लिए भी अच्छे होते हैं। इसके बाद हम इसे पहले मिला लेते हैं। तो इस तरह से मिला लीजिएगा और आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकती हैं। उसके बाद ले लीजिएगा चावल का आटा, ये बहुत अच्छा स्क्रब है ये। और चावल का आटा फेस पे लगाने से चेहरा बहुत ज़्यादा गोरा होता है। तो बस इसे आप इस तरह से मिला लीजिए। और अगर आपके ओट फटे हुए हैं तो ओट पे हल्का हल्का रब कीजिए, आपके ओट में सारे पपड़ी जो है हट जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और फेस पे ऐसे स्क्रब कीजिएगा तो फेस भी आपको बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएंगे। और अगर आपके एड़ियाँ फटी हुई हैं तो सबसे पहले एड़ियाँ को आप गर्म पानी से धो लीजिए, धो करके उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद इसे आप पैरों पे अच्छे से लगाइए, एड़ियों पे लगाइए और इसे अच्छे से लगा करके रखिए 2 घंटा तक। उसके बाद आप इसे धो लीजिएगा तो आप देखिएगा आपके फटे हुए एड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर गंदे हैं तो बहुत ज़्यादा सारे गंदे निकाल देते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको हल्का हल्का हाथों से मल के लगाना है एड़ियों पे, और ये आपके ठंड में बहुत ज़्यादा काम आएंगे दोस्तों। अगर आपको ये मेरे टिप्स या रेसिपी अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छी लग रहे हैं दोस्त तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।